बहन सूर्पनख है, तुम निराश न हो, रावण उनकी भी नाक नहीं रखेगा। कलेजा निखार कर नथुनों से मिर्चो की धूप उन्हें देगा। कुमाऊं की रामलीला प्रसिद्ध है। इसमें कुमाऊं की विशिष्ट सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है। गीत नाट्य शैली में होने वाली कुमाऊं की रामलीला समूचे देश में अनूठी मानी जाती है। इन दिनों रामनगर में रामलीला का मंचन हो रहा है। 47 साल से यहां रामलीला हो रही है। कोविड काल में पिछले साल रामलीला नहीं हो पाई थी, इस बार शुरू हुई रामलीला को लेकर कलाकारों में अपार जोश है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। इस साल राम जी का मंचन हो रहा है, रामलीला का मंचन हो रहा है। जैसा कि आपको पता था, पिछले साल कोविड के उससे हम रामलीला करने में असमर्थ है, लेकिन इस साल सभी कलाकारों में काफ़ी उत्साहित है और सभी एकजुटता के साथ मिलकर इस रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। बीते 8 वर्षों से मैं राम की भूमिका इस मंच में निभा रहा हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सन 1974 से इस रामलीला की स्थापना हुई। प्रेम वल्लभ बेलवाल जी द्वारा इस रामलीला का स्थापना की गई, तब से अभी तक लगातार यहाँ हर वर्ष प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति में रामलीला का आयोजन होता है। रामलीला के 7वें दिन पंचवटी में शूर्पणखा नासिका छेदन खरदूषण वध का मंचन हुआ। नासिका छेदन के बाद रावण शूर्पणखा संवाद हुआ। रावण मारी संवाद ने दर्शकों में रोमांच भरा। सीता हरण के मंचन ने जहां दर्शकों को भावुक कर दिया, वहीं जटायु मोक्ष का जब मंचन हुआ तो दर्शकों की आंखें नम हो गई। शबरी आश्रम में जब राम लक्ष्मण पहुंचे तो भक्ति के इस प्रसंग ने फिर से दर्शकों को भावुक कर दिया। मेरा नाम अमित लोनी है, मैं पिछले 9 वर्ष से लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा हूं और आज का जो दिन है शूर्पणखा नाग छेदन, बहुत ही अहम दिन है। पूरी रामलीला का अहम दिन होता है जिसमें शूर्पणखा की नाग छेदी जाती है और उसी के पश्चात शूर्पणखा रावण को वहाँ पर जाके बोलती है कि राम लक्ष्मण द्वारा मेरी नाक काटी गई। सारा तर जो रामलीला का है वो इसी दिन का है। शूर्पणखा ही रावण को भड़काती है और उसी के पश्चात फिर आगे की लीला होती है। शूर्पणखा के पात्र मानव जोशी ने अपने अभिनय से दर्शकों के रोंगटे खड़े किए तो रामलीला शुरू होने पर खुशी भी जताई। मेरा नाम मानव जोशी है। वैसे मैं रंगमंच से तो 16 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पिछले 5 सालों से मैं शूर्पणखा की भूमिका अदा कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है काम करने का, क्योंकि 2 साल से हम कलाकारों की आजीविका भी यही है, क्योंकि हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। मैं एक फोक आर्टिस्ट भी हूँ, फाइन आर्टिस्ट भी हूँ, तो उसमें हम 2 साल से बहुत परेशान थे। लंकेश का अभिनय कर रहे भुवन जोशी का कहना है कि रामलीला का मंचन जरूरी है, हमें देखकर ही आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति को सहेज कर रखेगी। मेरा नाम भुवनचंद जोशी है। मैं विगत 20-25 साल से इस रंगमंच से जुड़ा हूँ। विगत वर्ष हम कोरोना काल की वजह से रंगमंच का अभिनय नहीं कर पाए, पर दोबारा हम इस रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी धर्म प्रेमी जनता जो है इस रामलीला को बहुत हृदय से, बहुत हृदय की गहराइयों से देखती है। तो जब हमारे साथ इतने दर्शक जुड़ते हैं, धार्मिक दर्शक जुड़ते हैं, इतने जन समुदाय हमारे साथ जुड़ता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने करैक्टर को बहुत अच्छे से निभाएं। फिर तो ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामलीला है और इसमें हमें अभिनय करना
चाहिए, क्योंकि आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो हमको सीख के ही अपनी संस्कृति सीखेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन भी संस्कृति को भूल जाएगी। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि हम तो अब इस रोल को कर रहे हैं, बहुत अधिक समय तक हो सकता है हम लोग करें नहीं करें, लेकिन आने वाली जनरेशन इस सभ्यता को सीखे, जो हमारी धार्मिक पौराणिक सभ्यता है, इसमें हमारी संस्कृति आजीवन आगे बढ़ते रहे। रामनगर की रामलीला के आयोजक और सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पैठ पड़ाव के अध्यक्ष कमल बेलवाल ने कहा कि कोरोना काल में ऐसे कार्यक्रम करना आसान नहीं था, लेकिन बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ा। ये हमारी रामलीला का प्रारंभ सन 1974 में हुआ था, तब से लेकर हमारी ये रामलीला का मंचन निर्बाध गति से चलता रहा, लेकिन कोविड की वजह से गत वर्ष रामलीला संपन्न नहीं हो पाई, लेकिन इस बार हमारे छोटे बच्चों ने, कलाकारों ने जिद करी कि अब के हमने रामलीला करनी है। तो मैं तो हिम्मत अपने में नहीं जुड़ा पा रहा था, लेकिन बच्चों का उत्साह देखकर मैं मना नहीं कर पाया उनसे। रामनगर में रामलीला की धूम है, दर्शक बड़े चाव से त्रेता युग की इस पौराणिक कथा का मंचन देख रहे हैं। छोटे बच्चे बड़े ध्यान से पात्रों का अभिनय देखकर बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आने वाले समय में भारतीय संस्कृति के पहरुए यही बच्चे ही तो हैं। रामनगर से ईटीवी भारत के लिए कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।